तूने अपने जिस रूप से मेरी पुत्री को वश में कर लिया है, उस रूप को ही आज नष्ट करूंगा मैं। तू हंसकर मेरा उपहास कर रहा है, खैर आज तेरे इस रूप को ही नष्ट कर देता हूं मैं, शांत हो जाइए मां, शांत हो जाइए। यदि हमसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांग रहा हूं मां, शांत हो जाइए। आपका पिता आपसे क्षमा मांग रहा है मां, कृपा करके शांत हो जाइए। आदिशक्ति का ये रौद्र रूप विनाश का द्योतक है, कहीं ऐसा ना हो कि कात्यायनी की स्मृति वापस लौट आई है। इस समय किसी भी प्रकार इनका शांत हो जाना बहुत आवश्यक है देवी। कौन करेगा इन्हें शांत ऋषिवर, कौन कर सकता है? मित्र, ये आपके पिता हैं, पूज्य। अपने क्रोध को शांत करिए मित्र, मेरे लिए आपका ये रूप ना ही असामान्य है और ना ही मैं इनसे अपरिचित हूँ। समय समय पर मैं आपको कई रूपों से परिचित होता रहा हूँ। पिता के लिए आपका ये क्रोध उचित नहीं है मित्र, शांत हो जाइए। अपने भक्त, अपने पुत्र, अपने पिता की बात न मानकर आप इनकी बातों पर विश्वास कर रही हैं मां। क्षमा कर दीजिए मां, मेरे कारण आपको क्रोधित होना पड़ा, परंतु मैं पुनः प्रयास अवश्य करूंगा मां कि आप अपने भक्तों के पास शीघ्र आ जाए। ऋषिवर, विश्वास ही तो भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। निष्प्राण शिलाखंड तक को देवत्व की शक्ति प्रदान करता है, पर जब हम अपने विश्वास को सर्वश्रेष्ठ और दूसरे के विश्वास को उनके विचारों को छोटा बताते हैं, संकट वहाँ से ही प्रारंभ होता है। मुझे उनसे ज्ञान लेने की कोई आवश्यकता नहीं है जो दूसरों के विश्वास के साथ प्रपंच और झूठा खेल खेलते हैं। आप तो महाऋषि हैं ऋषिवर, विचार कीजिए इस धरा पर, इस जगत में सबकी उत्पत्ति किसी एक से नहीं हुई है। क्या हम सब मनुष्य, देवता, असुर, क्या सबका मूल एक नहीं है ऋषिवर? देखिएगा, जब मित्र की स्मृति वापस आ जाएगी तब वो आपको यही कहेंगे और वो यही समझाने यहाँ आए हैं ऋषिवर। ऋषि कात्यायन, मेरे पुत्र के बातों से आपको अनुभूति हुई होगी। हम कात्यायनी को हमारे साथ लेकर नहीं आए हैं, ये स्वयं अपनी इच्छा से हमारे साथ आई है, और जिस दिन ये स्वयं अपनी इच्छा से वापस लौटना चाहेगी मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगी। मैं इसे नहीं रोकूंगी और ना ही मेरा पुत्र इसे रोकेगा। मैं अनुरोध करती हूँ, इस विश्वास के साथ आप यहाँ से प्रस्थान करें। हमारे घर में हमारी पुत्री सुमति का विवाह है। यदि उसके बाद कात्यायनी वापस लौटना चाहे तो मैं इसे लेकर आपके पास आऊंगी। मेरी दोनों योजना विफल हो गई। अब मैं महाराज तारकासुर को क्या जवाब दूंगा? क्या बात है तारका, तेरे मुख पर इतनी अधीरता क्यों है? माता, अभी तक कोई आया नहीं है, किसी का कोई समाचार नहीं है, न वो दंडपानी आया है, न कात्यायन का संधि प्रस्ताव, और ना ही वजामुखी। कहाँ चले गए सब, अभी तक आए क्यों नहीं? तारका अजामुखी किसी शिव भक्त को अपना अस्त्र बनाकर बाल शिव को पराजित करने गई है। परंतु कोई शिव भक्त उसका अस्त्र कैसे बनेगा माता? उसके रूप जाल से। देखना तारका, इस बार वो अवश्य सफल हो गई। परंतु मैं फिर से असफल हो गया, मेरी चाल असफल हो गई। मुझे दंड दीजिए महाराज, कठोर दंड दीजिए। लीजिए लीजिए ये कोड़ाव और मुझे मार मार कर लहू लुहान कर दीजिए असुरराज। पहेलियां मत बुझाओ, बात बताओ क्या है, अन्यथा कोड़े की जगह तुम्हारी गर्दन पे मेरी तलवार होगी। असुरराज, देवी सेना और देव सेना के बीच युद्ध टल गया। परंतु क्यों, कैसे? कात्यायनी में दुर्गा स्वरूप की झलक दिख जाने के कारण विस्तार से बताओ दंडपानी। असुरराज, युद्ध आरंभ ही होने वाला था, तभी कात्यायन की पुत्री वहां पहुंच गई और सबने उसमें दुर्गा का क्रोधित रूप देख लिया और उस रौद्र रूप को देखकर सब लोग शिथिल पड़ गए। और वो कायर कात्यायन, उसने भी घुटने टेक दिए। हाँ असुरराज, और उसमें उस अनुसुईया की भी महती भूमिका है। उसने वहां पहुंचकर सबसे जाने के लिए कहा और वे सब बिना युद्ध किए ही वापस जाने का अर्थ ये नहीं है दंडपानी कि कात्यायन के हृदय में चलती हुई युद्ध की अग्नि शांत हो गई है, किंतु मेरे विचार से वह अग्नि और तीव्रता से जल उठी है। तुम जाओ और युद्ध की विषाग्नि में अपनी कुटिलता और घृणा का घृत मिलाकर उसे और प्रचंड कर दो। जो आज्ञा महाराज। दंड से तो तू बच गया दंडपानी, अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से शीघ्र निकल जा। अच्छा महाराज। कात्यायनी, पेट भर गया? मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम्हें अपने पिता पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। माता पिता का स्तर ईश्वर से भी ऊपर होता है। ये वही छतनार वृक्ष है जिसके छांव में हम पलकर बड़े होते हैं, योग्य बनते हैं। पिता की कठोरता केवल बाहरी कठोरता होती है, इसीलिए पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहना। यहाँ से लौटकर पिता के पास ही रहना है ना, इसीलिए पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहना, समझ गई? प्रणाम आचार्य। अरे आप सब यहाँ? जी आचार्य, दरअसल बात यह है कि वरपक्ष का संदेश आया है कि वो विवाह से पूर्व एक बार मिलना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपनी पुत्री सुमति को आपके पास छोड़ देते हैं। हमारे लौटने तक आपके पास रह के गृहिणी के कुछ गुण सीख लेगी। सुमति केवल आपकी पुत्री नहीं है, मेरी भी तो पुत्री है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। शुभ यात्रा। धन्यवाद आचार्य, आज्ञा दीजिए। एक कुशल गृहिणी का पाक कला में निपुण होना अति आवश्यक है। चलो, आज मैं तुम्हें पाक कला सिखाती हूँ। हे प्रभु, अब तो माताजी भी उपस्थित हैं और हम दोनों भी उपस्थित हो चुके हैं, तो कृपया कर नंदी जी से कहिए ना कि शिव कथा प्रारंभ करें। कथा आरंभ कीजिए नंदी जी। जो आज्ञा प्रभु। बात उस समय की है जब महादेव को वर रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके और माता के मिलन की सुखद बेला आ गई है प्रभु। माता की तपस्या पूर्ण होने वाली है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक बात कहूं प्रभु। कहो नंदी। अब माता को कष्ट मत दीजिएगा प्रभु। अब माता की परीक्षा मत लीजिए। माता को वरदान देकर जगत की प्रतीक्षा का अंत कर दीजिए प्रभु। नहीं नंदी, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। 1000 वर्षों के तप के उपरांत अभी भी एक अंतिम परीक्षा। परंतु अब परीक्षा की क्या आवश्यकता है प्रभु? नंदी, पार्वती को विवाह के पश्चात आदिशक्ति का दायित्व निभाना है, इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आदिशक्ति के लिए उनमें पूर्ण योग्यता आ गई है अथवा नहीं। इसका अर्थ माता के मिलन के मार्ग की कठिनाई अभी समाप्त नहीं हुई। इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।